दो चाय। कैसे हो? बढ़िया यार। हम लोग ना अभी फिलहाल सोच रहे थे कि आज कहाँ जाए, तो भाई बोलता है पहले चाय पीते हैं, तो फिलहाल अभी चाय पी रहे हैं। तो गाइस चाय पी लिया है और हम लोग निकलते हैं यार एक जगह पे। भाई से बात हो रही थी तो भाई ने बोला कि यार पास में एक मंदिर है जॉन्स वाली, वहाँ चलते हैं। और मैंने वीडियो में वैसे आपसे कहा था कि किसी ना किसी दिन रख लूँगा, बट भाई बोलता आगे चलते हैं क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है। सोच रहे थे कि कहाँ जाए, समझ नहीं आ रहा था कि पास में क्या दिखाने के लिए, बट अब मंदिर जा रहे हैं। गाइस यहाँ से नागपुर है 121 किलोमीटर और हैदराबाद है 628 किलोमीटर। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ सिल्लेवानी घाटी के अंदर और मेरे सामने आप जो देख रहे हो ना बड़ी घाटी है और ये पूरा सिल्लेवानी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अभी हम लोगों ने 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, यहाँ से समथिंग हमें 25 किलोमीटर और जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे जॉन्स वाली मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। बाकी मैंने सोचा जंगलों में रुके हुए हैं तो क्यों ना आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दें, है ना? खूबसूरत है ना नज़ारे। एक्चुअली होता क्या है, बरसात के टाइम पे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा जाती है, तो जितने भी जंगल होते हैं वो इतने खूबसूरत हो जाते हैं ना, देखते ही बनता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगह हमें गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना। आगे से आने वाली गाड़ी समझ नहीं आती किस स्पीड से आ रही है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पर, तो हमको भी थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। गाइस मैंने कहा था ना एक्सीडेंट होते हैं, तो ये देखो हमारे सामने एक ट्रक पलटा हुआ है और उसका सामान याले ट्रक में लोड कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ना सिल्लेवानी घाटी का जो जंगल पड़ता है, ये बहुत ही टफ है। यहाँ हर 2 मिनट में आपको एक मोड़ मिलेगा और वो मोड़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सामने से आने वाली गाड़ी आपको समझ नहीं आती है और जिनकी स्पीड होती है वो पहाड़ों में घुस जाते हैं जाते, तो गाड़ियाँ थोड़ा संभाल के चलाएँ इस एरिए में। ये एरिया बहुत सुंदर है बट सुंदर होने के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, ड्राइविंग करने के हिसाब से बहुत ख़तरनाक है। गाइस आपने कभी नोटिस किया है जंगलों के बीच में मंदिर होता है? तो चलो दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। यात्रा करना वो जंगलों की अफसाली करती है माँ मंजारी माई, और बस हमने दर्शन कर लिए और हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर। बस मेरे सामने आप लोग देख रहे हो पूरे बांस के पेड़ लगे हुए, कितना प्यारा दिख रहा है ना सामने। पता है बरसात का सीज़न ना बहुत ही प्यारा होता है, यदि हम लोग यहाँ पे समर सीज़न पे आते ना तो इतनी खूबसूरती हमको मिलती नहीं, पूरा पतझड़ का टाइम रहता है समर सीज़न पे। अभी देखो आप सामने कितना प्यारा दिख रहा है ना सीन, पूरे आजू बाजू ये दिखाई दे रहा है पूरे बांस के पेड़ लगे हुए हैं। हम लोग आ चुके हैं सोसर में, बस अब यहाँ से कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम लोग। इस वक्त मैं हूँ सोसर के बस स्टैंड पर। भाई ने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक पोहा बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। सच में बहुत टेस्टी है। पोहा के ऊपर चने की सब्जी है, आप देख सकते हो पोहा के ऊपर चने की सब्जी डाल के दी गई है, ऊपर प्याज और नींबू भी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यार। आप कभी आ रहे हो ना बस स्टैंड पर तो ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो पता ही है ना आप लोगों को एमपी में पोहा जलेबी बहुत फेमस है। एमपी किसी भी एरिया में चले जाओ आपको पोहा जलेबी खाने को मिल जाएगा, बट कुछ स्पेशल है ये, ऊपर चने की सब्जी, प्याज नींबू और पोहा। तो आप लोग कभी सोसर बस स्टॉप आते हो तो फेमस पोहा यहाँ पे ट्राई करना। गाइस हमें अभी नागपुर हाईवे को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, यहाँ से पड़ेगा 1.5 किलोमीटर मंदिर और यहाँ से नागपुर है 64 किलोमीटर। ये वाला रास्ता हमें जाना है मंदिर के लिए। गाइस मेरे सामने देख रहे हो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर,
यहाँ से एंटर करते हैं अंदर मंदिर की ओर। जय सिया राम। गाड़ी की पार्किंग आगे, इधर साइड फोर व्हीलर की पार्किंग है, थोड़ा सा आगे जाके हम लोग करेंगे बाइक पार्क। और ये पूरा परिसर है जौमसाली मंदिर का। टू व्हीलर पार्किंग। गाइस ये है टू व्हीलर की टिकट। भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फाइनली हम लोग हैं जौमसाली मंदिर परिसर के अंदर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंदिर। और मंदिर अभी हमको चलना पड़ेगा यहाँ से, फिर हम लोग पहुँचेंगे मंदिर में। आज आपको भीड़ बहुत कम लगेगी क्योंकि एक्चुअली आज है गुरुवार है ना, आज गुरुवार आउट ऑफ डे हो जाता है, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बाकी सैटरडे और संडे के दिन आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि यहाँ भी यहाँ पे चलने के लिए ना आपको जगह नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, चारों तरफ दुकानें लगी हुई है, खाने पीने की दुकानें हैं, गिफ्ट है और भगवान के पूजन की सामग्री है। पवन इतने संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। भाई ने कहा कि आज चलते हैं घूमने के लिए, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज हम लोग फ्री है, सोच भी रहे थे कि आज जाएंगे कहाँ पे, कहाँ का वीडियो शूट करेंगे, तो आज बाबा ने बुला लिया अपने दर पे, तो पहुँच गए हम। बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, हम लोग एक दुकान पर रुकते हैं सामान रखते हैं और वहाँ से हम लोग प्रसाद लेके फिर जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो ना बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, इधर साइड भी दुकानें हैं। यहाँ से लेते हैं प्रसाद और फिर हम लोग जाएंगे अंदर की ओर। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। भैया जूते चप्पल उतार देना अंदर। यहाँ से ले लिया हूँ मैंने प्रसाद और अब हम लोग जाते हैं मंदिर पे। आप देख रहे हो सामने अभी भी काम चल रहा है, बहुत टाइम से काम चल रहा है बट धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट हो गया। मैं जब आया था लास्ट टाइम तब यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी थी और अभी टाइल्स लग चुकी है, काफ़ी काम भी हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें लगी हुई है यहाँ पे, लाइन से इतनी सारी दुकानें हैं। किसी भी दुकान पे आप जहाँ से सामान लेते हो वहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हो, अपना सामान भी रख सकते हो, बहुत सुरक्षित है। गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर साइड पे मंदिर परिसर के। आप देख सकते हो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है बट धीरे धीरे हो जाएगा। कॉपीराइट क्लेम लग सकता है भाई, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक में जो गाना बज रहा है ना मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा पता है। श्री राम जय राम जय जय गाइज। आज आप देख रहे हो ना यहाँ पे आज ऑफ दिन है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है नीचे साइड से और यहाँ पे पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं जब पिछले बार आया था ना मुझे 2.5 घंटे लगे थे यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए क्योंकि हम लोग नीचे से लाइन लगे थे, लेकिन आज देखो ऑफ डे है तो सारी जगह पर देखो पूरा खाली है, नहीं तो यहाँ से इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है बहुत सारी। फ़ोटो निकालना मना है तो शायद मैं आपको अंदर दर्शन ना करा पाऊँ। बस आप देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं पास में और अंदर बाबा जी विराजमान है, पहुँचते हैं और देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। बाकी आप मंदिर परिसर देख सकते हो, काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी डेवलप भी है और धीरे धीरे डेवलप भी हो जाएगा। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है ये भगवान हनुमान जी का, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हो पूरी होती है और बहुत सारी बीमारियाँ भी यहाँ से ठीक होती है, जो डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाता है उसके बाद यहाँ पे लोग आते हैं। इसमें मंदिर परिसर के नीचे साइड पे हो और अंदर फोटोग्राफी करना मना था तो सॉरी, अंदर में फोटोग्राफी नहीं भाई, नहीं परेशान मत करो, परेशान मत, फोटो मेंशन कर दूंगा आप उसमें देख लेना, हनुमान जी लेटे हुए हैं। और इधर नीचे साइड भी मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं।
के लिए गेट बना हुआ है, इधर से चल के वापस आप नीचे की ओर जा सकते हो। हरे राम हरे कृष्ण, पूरा भवन बने हुए हैं यहाँ पे, जो भी लोग आके ठहरना चाहते हैं वो भवन में रुक सकते हैं। भैया से मैंने ये प्रसाद लिया था, वो थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं आपको। भैया यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम कौन सा है? शनिवार और मंगलवार दो दिन बेस्ट टाइम है, और बेस्ट दिन भी है मानते हैं। हाँ। और बहुत लोग परहेज वाले रहते हैं तो वो शनिवार मंगलवार के दिन ही बहुत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं ऐसे जो बीमारी वाले होते हैं, जो डॉक्टर से ठीक नहीं होते, यहाँ से ठीक होकर जाते हैं और सुधर के जाते हैं। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था, रूम मिलते हैं, व्यवस्था है। और वो नीचे जो परिसर के नीचे साइड बना हुआ है, वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं क्या? रहते हैं, अभी बंद किया है, उनको बाहर ब्लॉक दिए है बैठने उठने के लिए। आज की टाइम क्या है? टाइमिंग अभी का 5:30 का है, सुबह सुबह के टाइम पे। और इवनिंग में? इवनिंग में भी 5:30। ठीक है, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा भाई, फिर मिलते हैं, आते हैं दोबारा, फिर आपसे मुलाकात, से बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग आगे निकलते हैं, आगे एक जलप्रपात टाइप का बना हुआ है, तो बरसात हुई है तो शायद बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ पे चलते हैं। भाई सही कहूँ, ये वाला टाइम ना बहुत सही लगा मेरे को। आप लोग भी ना कभी ऑफ दिन आके देखना कितना मज़ा आता है, भगवान के दर्शन इतने सुकून से हो जाते हैं। आप बैठ के बहुत देर वहाँ पे बैठ के दर्शन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सैटरडे या मंगलवार को आते हो तो इतनी भीड़ होती है कि आपको दर्शन करने के लिए सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट दिया जाता है, फिर आपको लाइन से आगे कर देते हैं। बट अभी ऐसा नहीं था, आपको 1 घंटे बैठना, 2 घंटे बैठना, बैठे रहो, कोई भगाने वाला नहीं है। ये ताजी वाली फल्ली है दोनों। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और अब हम लोग जा रहे हैं जलप्रपात की तरफ। गाइस हम लोग आ चुके हैं नदी के किनारे, देख सकते हो ना, बोला था ना काफ़ी पानी रहेगा नदी में। और चलो आगे दिखाते हैं आपको, ऊपर तक पूरी नदी भरी हुई है। 1.5 किलोमीटर लगेगा मंदिर के पास से आने में। पानी ज़्यादा है तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, लेकिन नज़ारा बहुत प्यारा है यार, सब पानी भरा हुआ गड्ढों में। आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये सब पानी भरा हुआ है, और बरसात में ना कभी ऐसे पत्थरों के बीच में नहीं आना चाहिए, एक्चुअली नदी के बीच में नहीं आना चाहिए। होता क्या है, अचानक से नदी में पानी आता है तेज, और यदि पानी तेज आए तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे, इसलिए लोग आगे भी नहीं जा रहे हैं। और बस जैसे आप देख लो, सही लग रहा है ना, फंसना क्या, जान जोखिम में डालना हो जाता है भाई। गाइस अभी हम लोग हैं मानस आश्रम में, जो कि जो मैंने आपको जलप्रपात दिखाया ना वहाँ से थोड़ा ऊपर साइड पे है। तो ये देखो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, नीचे वो दादाजी खेती कर रहे हैं, बहुत प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और वो जो नदी दिखाई दे रही ना, वही नदी जाके वो जलप्रपात में चेंज हुआ। शानदार नज़ारा आ रहा है आश्रम से यार, देख रहे हो वेदर, अभी धूप आ गया ना, अभी पानी गिर रहा था, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। ये मंदिर से अपन लोगों ने फले लिए थे ना, ये खा रहा हूँ, बाकी सच में अच्छा स्वाद है इसका। और यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई, बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई साहब, थोड़ा पीछे दिखाओ ना, दूर तक वो नदी दिख रही है। मैं आश्रम के पीछे साइड पे हूँ और आश्रम पे अंदर साइड पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों मना है। पंडित जी ने बोला है कि आप अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। आश्रम के पीछे से कुछ ऐसा नज़ारा है। गाइज मेरे सामने जो व्यू देख रहे हो ना, जाते वक्त मैंने नहीं दिखाया था, बट अभी देख लो, है ना अल्टीमेट। तो आप लोग आइए कभी समय निकाल के छिंदवाड़ा घूमने के लिए, आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। बस अब हम लोग जा रहे हैं कुकड़ी खापा जलप्रपात। गाड़ियों में कुकड़ी खापा, गाइज हम लोग कट चुके हैं कुकड़ी खापा के लिए। यहाँ से कुकड़ी खापा पड़ेगा 8 किलोमीटर है, यहाँ से 0.5 किलोमीटर है। और आप रास्ता देखो सामने का, बड़ी बड़ी भैंसें। 2 मिनट, पूरी गिट्टी बिछी हुई है। मैं पहुंच चुका हूं कुकड़ी खापा जलप्रपात। इवनिंग 6:30 बज रहे हैं, बहुत कम भीड़ है क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। बाकी हमारे अलावा अभी देख रहे हैं कोई भी नहीं बचा। हम लोग एक्चुअली लेट आ रहे हैं ना, इस वजह से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आपको जलप्रपात दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत है। गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना यार। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। गाइस सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको मैं बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाते रहूँगा ऐसी। और हम पहुँच चुके हैं कुकड़ी खापा जलप्रपात में। गाइस ये देखिए, ये पानी जा रहा है,
जलप्रपात में आपको नज़ारा दिखाता हूँ इधर साइड। यहाँ से भी उतना बढ़िया समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लोकेशन देखना पड़ेगा कहीं पे जहाँ से बढ़िया नज़ारा दिखे। नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से ऐसा। गाइस आप सामने साइड पे देखो, सही नज़ारा है ना। एक्चुअली ना मेरे को लोकेशन सही नहीं मिल रहा है, मेरे को शायद क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, उधर से बहुत बढ़िया लोकेशन मिलेगा। नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बताओ, पटने से नहीं जाना चाहिए? थोड़ा थोड़ा सा रिस्क है बट सोच रहा हूँ यार नीचे जाऊँ या नहीं जाऊँ। नीचे जाएंगे ना तो वहाँ से थोड़ा सा नज़ारा आपको बढ़िया दिखाई देगा। एक्चुअली वो बहुत बढ़िया है बट तब भी लोकेशन ना सही नहीं मिल रही है, कैप्चर सही नहीं हो रहा है। थोड़ा नीचे चल के दिखाता हूँ आपको मैं जलप्रपात के नज़ारे। आराम से चलना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े पत्थर है, आराम से पैर रख के ईजी, क्योंकि ये थोड़ा ना रिस्की भी है। मैंने सुना हो कि यहाँ पे एक बंदे की डेथ भी हो चुकी है। देखो है ना काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना काफ़ी खूबसूरत। कुछ लोग आपको नीचे साइड भी दिखाई दे रहे होंगे बट ना वो उधर साइड से घूम के गए हैं और अपन लोग नहीं जा रहे हैं उधर साइड से। अब नज़ारा देखो सामने, वाओ है काफ़ी खूबसूरत है यार। चलो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। गाइस देखो नज़ारा, दिल का मामला है तबाही सीन है भाई तबाही। बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। और ऊपर साइड बादल बना हुआ है, बादल बहुत तेज़ तेज़ गरज रहा है, हमको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा अदरवाइज फिर से हम लोग गीले हो जाएंगे। लव यू गाइज, मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप लोग भी प्यार मोहब्बत दिखाइए।